हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि हम लोगों के पास बहुत सारी लिपस्टिक्स होती हैं, जिनमें कि कुछ लिपस्टिक को हम लोग यूज नहीं करते हैं, या कुछ ऐसी लिपस्टिक्स होती हैं जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, तो उन्हीं को हम रीयूज करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी पुरानी लिपस्टिक को रीयूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पिक्चर्स अभी आपके सामने शो हो रही है, ये मेरे चैनल के पुराने वीडियोस की पिक्चर्स हैं, जो कि आल्टा डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पर बताए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं और आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और वीडियो के एंड में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो हाथ पर जो हम आल्टा डिज़ाइन बनाएंगे, उसके लिए हम जो लिपस्टिक यूज़ करेंगे वो मैट फिनिश में होनी चाहिए, और वो भी वाटरप्रूफ। जो लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ, इस टाइप की लिपस्टिक ही आपको यूज़ करनी है। जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है नॉर्मल वाली लिपस्टिक, वो आपको यूज़ नहीं करनी है। ये जो आल्टा डिज़ाइन आज मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम किसी भी फेस्टिवल में लगा सकते हैं, जैसे कि करवा चौथ, दिवाली, छठ पूजा या फिर नवरात्रे, दुर्गा पूजा के टाइम पर हम इसको लगा सकते हैं। स्पेशली आप इस डिज़ाइन को किसी भी डांसिंग शो में जा रहे हो या फिर किसी भी डांस में आप पार्टिसिपेट करते हो, जैसे कि भरतनाट्यम, कथक या फिर कोई भी इंडियन कल्चर का डांस है, उसमें आप इस आल्टा डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट फिंगर में ये रेड कलर का यूज़ करना बताया लिपस्टिक का, उसी तरीके से बाकी फिंगर में भी हम ये रेड कलर कम्प्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपने हाथ की हथेली पर हम आगे और पीछे दोनों साइड इसी तरह का सर्कल बना लेंगे, और सर्कल बनाने के बाद हम इसमें आप वाइट रंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि वाइट रंग काफ़ी अच्छा लगता है रेड के साथ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एंड में मैं आपको इसमें पानी डाल के भी दिखाऊंगी। पानी डालने पर ये बिल्कुल रिमूव नहीं होगा, और इसको हम रिमूव कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो यहाँ पर हम वाइट डॉट को देने के लिए ये वाइट रंग का नेल पेंट का यूज़ कर रहे हैं। ये नेल पेंट मैट फिनिश में है, शाइनिंग वाला नहीं है, और ये ट्यूब फॉर्म में है। इसमें एक नोज़ल है, उसी की हेल्प से मैं इसमें इसको लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये ट्यूब वाला नेल पेंट नहीं है तो किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा, और अगर उसके बाद भी आपको ये अवेलेबल नहीं हो रहा है तो इसकी जगह पर आप नॉर्मल वाला जो वाइट नेल पेंट आता है वो लाकर उसको टूथपिक की हेल्प से इसको लगा सकते हैं। तो एक कॉर्नर में ये जो पिक्चर अभी आपके सामने शो हो रही है, ये वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर बताया है आल्टा डिज़ाइन का, और इसको इसमें मैंने टूथपिक का यूज़ किया है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं आपका इसका लिंक दे दूँगी, और वीडियो के एंड में भी आप चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं। तो देखिए कितना सुंदर और ब्यूटीफुल कलर आया है ये रेड कलर, और कितना सुंदर लग रहा है ये हमारा आल्टा हाथ में। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको रिमूव कैसे करते हैं, क्योंकि पानी डालने पर भी ये आल्टा डिज़ाइन रिमूव नहीं होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्लिंजिंग मिल्क। अगर आपके पास क्लिंजिंग मिल्क नहीं है तो उसके लिए जगह पर आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर आमंड ऑयल ले सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं तो नॉर्मल आपका कोई भी लोशन जो घर में आप यूज़ करते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, और इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और बाकी जो ये वाइट डॉट जो हमने दिए थे नेल पेंट के, इसको हम रिमूवर से रिमूव करेंगे। आपके पास कोई भी रिमूवर हो उसको लेकर आप इससे रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद हाथ पे कोई भी लोशन लगाकर उसको मॉइस्चराइज कर लीजिए, तो आपका ये आल्टा डिज़ाइन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो अभी हमारा ये बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट आल्टा डिज़ाइन बनाते हैं, जो कि हम पैरों पर बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर ये रेड कलर की लिपस्टिक को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास मर्जेंटा कलर की, यानी कि रानी कलर की लिपस्टिक है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आल्टा डिज़ाइन भी दो कलर में आता है, रेड और रानी कलर में। तो आज हम इसी से आल्टा डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ पर भी हमें यहाँ पर वाटरप्रूफ लिपस्टिक का यूज़ करना है। जो मैट फिनिश में वाटरप्रूफ लिपस्टिक आती है उसी को यूज़ करना है। और अभी वीडियो के एंड में मैं आपको पानी डाल के भी इसको रिमूव करके दिखाऊंगी, तो आपके ये जो आल्टा डिज़ाइन है बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा पानी डालने पर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आल्टा डिज़ाइन बनाने का ये यूनिक आइडिया आपको कैसा लगा है। जैसे कि थंब में मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सारी फिंगर में भी हम ये लिपस्टिक को फिल कर लेंगे और उसी शेप में लेंगे जैसे कि मैंने थंब में ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये नीचे हार्ट शेप बनाऊंगी, और सारे में मैं ये हार्ट शेप बनाऊंगी। धीरे धीरे करके हम एक एक हार्ट को बना लेंगे। तो इस लिपस्टिक के साथ कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक एक डिज़ाइन बनाते जाएं और उसको फिल करते जाएं, क्योंकि ये लिपस्टिक बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो साथ के साथ उसको फिल करना है और नेक्स्ट पैटर्न बनाते जाना है।
हम इसमें वाइट डॉट देने के लिए मैं यहाँ पर अगेन ये वाइट रंग के नेल पेंट का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप इसमें नेल पेंट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कुमकुम का यूज़ भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोग वाइट रंग की कुमकुम यूज़ करते हैं बिंदी के नीचे लगाने के लिए, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो पानी डालने पर बहुत जल्दी निकल जाती है, इसलिए मैं कुमकुम की जगह पर यहाँ पर नेल पेंट का यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी आप, अगर आपके पास इस टाइप का नेल पेंट नहीं है तो नॉर्मल वाला नेल पेंट लेकर उसको आप टूथपिक की हेल्प से लगा सकते हैं। और टूथपिक की हेल्प से कैसे लगाना है अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सारे इसी तरीके से हम पूरे डॉट्स बना लेंगे सारे हार्ट्स में, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। और अगर आप ये नेल पेंट का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये डिज़ाइन ऐसे भी ब्यूटीफुल लग रहा है, बट वाइट रंग के डॉट्स को देने के बाद ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मगर आप अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसी तरीके से नॉर्मल भी आप इसको रख सकते हैं। तो अभी हमारा ये आल्टा डिज़ाइन कम्प्लीट हो रहा है, हम ऊपर का डिज़ाइन भी बना लेंगे। ऊपर का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले वी शेप बनाई है, जिससे कि जो हम हार्ट वाला पैटर्न बनाएंगे वो हमारा छोटा बड़ा ना हो, इक्वल साइज़ का ही रहे। तो अब हम इसमें हम हार्ट शेप दे देंगे। हार्ट शेप देने के बाद हम इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हम यहाँ पर वही वाइट डॉट दे देंगे। ऊपर का भी हमारा हार्ट शेप का जो फ्लावर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, और फिर हम पानी डाल के भी इसको दिखाएंगे कि ये पानी डालने पर बिल्कुल रिमूव नहीं होगा। तो अभी हमारा ये आल्टा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आप इसका फाइनल लुक देख रहे हैं। तो अभी ये जो रेड कलर की मैट मैंने लगाई हुई है इसको मैं हटा देती हूँ, तो वाइट रंग के फ्लोर पे भी ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा देखने में। तो अभी मैं आपको उसी का लुक दिखा रही हूँ। तो चलिए आइए आ जाते हैं फाइनल सस्पेंस पर। तो मैं आपको अब पानी डाल के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए पानी डालने पर भी ये बिल्कुल रिमूव नहीं हो रहा है। मैंने इसको कई बार बहुत बार रब भी किया है, रब करने पर भी ये बिल्कुल रिमूव नहीं होगा। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पानी डालकर भी रब करके भी देखिएगा तो ये बिल्कुल रिमूव नहीं होगा। साथ आप कोई भी आल्टा डिज़ाइन बनाते हैं या मेरे डिज़ाइन को देखकर कोई भी आल्टा डिज़ाइन आप बनाते हैं तो उसकी पिक्चर तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे टैग कर सकते हैं, इसकी आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूँगी इंस्टाग्राम आईडी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।